एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ द एपी 11852 एंड सो ऑन। हमें ये बताना है कि जो हमें एपी दी हुई है -150 उसकी एक टर्म होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ दे रखी है। हम इसे एपी से पहले फर्स्ट टर्म हमारी दे रखी है 11, ठीक है, और डी हमारा दे रखा है सेकेंड टर्म 8 -11 = -3, और जो -150 है वो हमारा एन हो जाएगा। तो nth टर्म हो गई हमारी -150। अब हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये इस एपी की कोई टर्म होगी भी या नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए पहले हमारे पास ए एन का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1d। ए एन हमारा माइनस का 150 इक्वल टू ए हमारे पास 11, n हमें नहीं पता बट d हमारा हो गया माइनस का 3। तो माइनस का 150 11 इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा और ये हो गया n माइनस का 1 और माइनस 3। इसको सॉल्व किया तो माइनस का 161 आ गया, ठीक है, और ये n माइनस 1 माइनस का 3। अब ये माइनस 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, माइनस का 161 अपॉन में माइनस 3 इक्वल टू हो गया हमारे पास n माइनस 1। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर n माइनस 1 इक्वल टू आया है 161 अपॉन में 3, ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा माइनस का 153 था वो इस एपी की टर्म नहीं होगी। सो माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी एन की वैल्यू जो होगी ना तो नेगेटिव आएगी ना ही फ्रैक्शन में आएगी, वो होगा हमारा नेचुरल नंबर ही आएगा, क्योंकि कोई भी टर्म हमेशा नेचुरल नंबर में ही आएगी, ठीक है। अगर आपका आंसर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है या फिर नेगेटिव में आती है तो वो उसकी टर्म हो ही नहीं सकती, ठीक है।